लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मैं खुद को गौरवान्वित महसूस करता हूँ आपका परिचय एक ऐसे व्यक्तित्व से करवाते हुए जिनको सम्मानित करने की ना तो हमारी विसात है और ना ही उनके चरित्र की व्याख्या करना मेरे बस की बात है। अब मैं जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहूंगा विकास मरमट्टा। अरे देख देख देख। नाम क्या तुम्हारा? विकास। अरे विकास इधर इधर। आज की बारी। Come in. नहीं आज बात कुछ खास थी तो मेरा आना यहाँ पे नेसेसरी था। मैं कुछ समझा नहीं। आपको पता ही होगा कि मेरी वाइफ। हाँ सॉरी पता लगा था। तो मैंने सोचा है कि मैं कोई ना एक बच्चा डॉक्टर। सर मैं आपकी कंडीशन समझते हैं और मैं आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा। दरअसल अभी बाहर में एक बच्चे से मिला था विकास, तो मेरा मन है कि मैं उसी को डॉक्टर। विकास क्या आप इसी विकास की बात कर रहे हैं? हाँ यही विकास। सर हमारे यहाँ ऑफिस ही बच्चे हैं, आप एक बार इसे देखिए अनुज। सर ये बहुत ही खुशमिजाज बच्चा है और ये बहुत ही शानदार क्रिकेट खेलता है, लोग कैसे यहाँ चैंपियन कहते हैं। चैंपियन अब मेरी बारी है। नहीं तुझसे नहीं खेला जाएगा। नहीं मैं खेलूंगा, मेरा बेटा मैं नहीं दूंगा। नहीं मुझे मुझे, मुझे विकास है। एक बार सर आप इसे भी देख लीजिए सर, अर्पण सर ये पढ़ने में बहुत ही अच्छा है, अनाथालय के सारे बच्चों को यही पढ़ाता है और अगर इसे रिसोर्सेज मिल जाएंगे तो ये फ्यूचर में खूब तरक्की करेगा। एक बार आप इसे भी कंसीडर कर लीजिए। 2 1 2 2 2 4। अरे बोलना 2 1 2 2 2 2 4 2 3 6 2 3 6 नहीं मैंने अपना मन बना लिया है मुझे विकास ही चाहिए मुझे विकास के अलावा कोई बच्चा नहीं पसंद सर एक बार नहीं मैंने आपसे कहा मुझे विकास ही चाहिए मुझे और कोई बच्चा नहीं पसंद ठीक है सर अगर आपने विकास को लेने का मन बना ही है तो एक बार आपको विकास से मिला ही देता हूँ। अरे विकास 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 अरे तुम फिर अपनी छड़ी भूल गए। अनुज जाओ उसकी छड़ी लेके आओ। छड़ी छड़ी किसकी? विकास देख नहीं सकता। ध्यान रखना अपना। हम सभी बचपन में बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं। ख्वाब
जिंदगी में एक मुकाम हासिल करने का, कुछ कर दिखाने का। मैंने भी बचपन में कई ख्वाब देखे थे, भले ही आंखें नहीं थी पर उम्मीदें थी, लेकिन अंदर ही अंदर डर था सपनों के टूट जाने का, बिखर जाने का। पता नहीं क्यों मेरे हौसले की बुनियाद इतनी कच्ची थी जो वास्तविकता का एक झोंका भी नहीं सह सकती थी। बचपन की इस कशमकश में इस मासूम को तब एक फरिश्ते ने थामा जब उसका खुद पर से भरोसा उठ चुका था। इस सम्मान के वास्तविक हकदार मेरे पापा हैं। मैं आप सब लोगों से एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूँगा कि ये अवार्ड मुझे मेरे पापा के हाथों से दिया जाए ताकि इस अवार्ड की कदर कर सकूँ। विकास, आपने अपनी जिंदगी में कई रुकावटें सही हैं, फिर भी आप नहीं थमे। लोग टूट जाते हैं, फिर भी आप नहीं थमे। तो आइए आज इस दिन हम आपकी किताब के कुछ अंशों को यहाँ जीवंत करना चाहेंगे। मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा विकास के पिताजी श्री राजीव मरमट को और उनके बचपन के दो साथी अनुज और सर्वेश। सर, आपने विकास को क्यों लौट लिया जबकि आप जानते थे कि विकास अंधा है? आज गार्डन में खेलते खेलते चोट लग गई, दर्द बहुत हुआ, अभी भी है। यहाँ लोगों के पास मम्मी पापा नहीं पर मेरी तो आंखें ही नहीं है, खराब नहीं लगता पर मम्मी पापा नहीं खराब लगता है। मम्मी जो आज मेरी चोट के बारे में पूछती, पापा जो डॉक्टर के पास ले जाते, ऐसे ही तो होते हैं ना वो। पर वो होते तो कहीं से मैं देख नहीं सकता, इसलिए छोड़ तो नहीं देते। जब कोई छोड़ देता है अकेले तो खराब लगता है। मम्मी पापा आप क्यों छोड़ गए, काश मुझे कोई अपना ले। सचमुच विकास, आज आपने दिखा दिया है कि इस अवार्ड के असली हकदार आप ही हैं।